मैंने यहाँ 3 से 4 उबाले हुए आलू लिए हैं। अब एक प्लेट पर हम इन आलूओं को इस तरह से कस लेंगे। ध्यान रखिए कि आप आलूओं को ज़्यादा ना उबालें। ऐसे करने से आलूओं में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और तेल में डालते ही तुरंत वो तेल में खुल जाएंगे। मैंने सारे आलूओं को कस लिया है और अब मैं एक बाउल लूँगा और इसमें ये पूरे कसे हुए आलू को डाल दूँगा। बाउल में काफ़ी आसानी हो जाती है आलू को मिक्स करने में। सबसे पहले हम डालेंगे कुछ भुना हुआ अदरक और लहसुन। अब हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब डालेंगे कुछ बारीक कटे हुए फ्रेंच बीन्स, बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, करीब 3 चम्मच सरसों का तेल। नमक स्वाद अनुसार। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इनको अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने चिली फ्लेक्स यूज किए हैं, आप ग्लव्स लगाकर ही मिक्स करें। अब डालेंगे थोड़ी सी करी पत्ता और थोड़ी सी सूखी कस्तूरी मेथी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप कस्तूरी मेथी भी डालें। अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। अब ये बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट पर। मैदे का बैटर बनाने के लिए एक बाउल में 1 कटोरी मैदा ले लें और अब पानी मिलाते हुए इसको एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लें। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है। मैंने 3 अंडे लिए हैं। चॉप्स बनाने के लिए हाथों को अच्छी तरीके से तेल या घी लगा लें, क्योंकि आप जब भी चॉप्स बनाएं आपके हाथों में आलू बिल्कुल ना लगे। इस तरीके से आपको आलू लेना है, मुट्ठी भर आलू लेना है और अंडे को इस तरह से रखते हुए आपको एक बड़ा सा चॉप बनाना है। हम यहाँ पे काफ़ी बड़े चॉप्स बना रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि बाद में मैं क्या करने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप छोटे आकार में बनाएं या बड़े आकार में, क्योंकि आलू ऑलरेडी पक चुके हैं, तो अगर हम इनको फ्राई करेंगे भी तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आपको चॉप्स तैयार कर लेने हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, फ्रीज़र में। 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने इनको फ्रीज़र से निकाल लिया है। ऐसा करने से ये थोड़े स्टर्डी हो जाते हैं और प्लस इनमें जो भी स्टार्च रहता है वो नॉन स्टिकी हो जाता है, जिससे हमें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। और अब मैं अपने बनाए हुए मैदे के बैटर को ले लूँगा। इसमें इस तरीके से आपको आलू के 1-1 चॉप्स को डालना है और अच्छी तरीके से इसमें बैटर को स्प्रेड करना है। ध्यान रखना कि इनको बैटर में ज़्यादा समय तक कॉन्टैक्ट में ना रखें और 5 से 10 सेकंड के अंदर ही इनको निकाल लें। निकालने के बाद क्या करेंगे, खा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऑलरेडी ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए थे। अब हम इसमें एक चॉप इस तरह से डाल देंगे। अब आप ब्रेड क्रम्स को इवनली इसके सरफेस पे इस तरह से स्प्रेड कर लें। ध्यान रखिए कि कोई भी जगह छूट ना जाए और चाहो तो आप इसको अभी फिर से एक प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं।
मेरे चॉप्स बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। मैंने एक पैन पे ऑलरेडी तेल गरम करने के रख दिया है। तेल बिल्कुल गरम हो चुका है और अब हम एक एक करके सारे चॉप्स को फ्राई कर लेंगे। चॉप्स को लो या हाई फ्लेम में बिल्कुल फ्राई ना करें। अगर लो फ्लेम में करेंगे तो चॉप्सों के खुलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और हाई फ्लेम में ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे। बीच बीच में इनको पलटते रहें और 4 से 5 मिनट तक ही मीडियम फ्लेम में फ्राई करें। तलते हुए ऑलरेडी 5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट पर बिछाए हुए टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से रख दूंगा। इस तरह से आपको बाकी के चॉप्स भी फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी एग चॉप्स बिल्कुल तैयार है।